मजदूरों का धंधा बंद हो गया भाई साहब, उसके बीच आपने बड़ी बड़ी इमारतों में ताला डाल दिया, आपने क्या मजदूरों का अच्छा किया? अरे कितने मजदूर ऐसे हैं जो मर गए हैं, उनके चूल्हा नहीं जला उनके घर में। आज मैं भी ऐसा हूँ, तो मेरे बच्चे MA करके बैठे हुए हैं, दो बार परीक्षा दे चुके हैं, क्या किया है सरकार ने, कितने को नौकरी लगा दी, कितने को फ्री खिलाया? मैं 5 किलो राशन में महीना नहीं बिता सकता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। नोटबंदी में भैया हमको को बता दे, BMW वाला या मर्सिडीज का उतारे के नोटबंदी की लाइन में लगा, हमको बता दे कोई, हमको तो भैया गरीब आदमी परेशान हो चुका है। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। जैसा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं, ऐसे में जनता का क्या मूड है, जनता इस बार किसे सत्ता में बिठाना चाहती है और किसे सत्ता से बेदखल करना चाहती है, जनता जानेंगे। कि जिस तरह से BJP की बात की जाए या सपा की बात की जाए, सपा की बात करें तो सपा राजभर से गठबंधन कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हुए दिख रही है और सत्ता पर काबिज होने के फिराक में दिख रही है। ऐसे में BJP की बात की तो BJP भी लगातार अपने कार्यकाल में हुए कामों को लेकर जनता से रूबरू हो रही है और जनता से अपने कामों को लेकर बता रही है। ऐसे में जनता से बात करेंगे, जनता इस बार किसे सत्ता में लाना चाहती है, किसे बेदखल करना चाहती है। भैया योगी आदित्यनाथ को 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार किसे देखते हैं, इनके कामकाज को लेकर पहले बताइए कैसा रहा काम। भाई साहब कामकाज तो सबसे पहला तो मेरा कामकाज इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, दूसरी चीज ये सरकार नहीं चाहिए। इस सरकार ने क्यों बर्बाद कर दिया? सरकार ने ही बर्बाद किया है। सरकार ये ना होती ना तो पहले 5 साल पहले बहुत हम लोग खुश थे, जहाँ हम लोग 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमाते थे, ठीक है, आज 5 हज़ार 7 हज़ार रुपये कमाने में लाले पड़ रहे हैं। कमाई की आप बात कर रहे हो तो सोर्स ऑफ इनकम कोरोना की वजह से ये सारी चीज, नथिंग कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से आदमी खाना नहीं खाना बंद कर रहा, कोरोना का पैसा गलत कह रहे हैं, बताइए आप, खाना बंद कर रहा नहीं कर रहा। उसके बाद अब आइए आप बात की सीधी बात, हम लोग भैया आप परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, अब हमको चाहिए कचरा हटाओ झाड़ू लाओ, मतलब आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बस आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट। ये तो सत्ता मतलब ये बोल रही है कि हम फ्री वैक्सीन लगवाए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, इसको दे दिया 5 किलो गेहूं दे दिया, 5 किलो चावल दे के आदमी को खरीद लिया। हमको बताइए भाई साहब, आप ही लेते हो, ठीक है, आप ही लेते हो 5 किलो 5 किलो 10 किलो चावल गेहूं में आपका परिवार चल जाएगा, ये सरकार चला देगी आधा किलो रिफाइंड दे के? बुरा कह रहे हैं, बुरा लगेगा जरूर, लेकिन ये कड़वा सच है सर, इसलिए आपकी ये सरकार नहीं चाहिए। मैं भी पंडित आदमी हूँ, उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये सरकार खराब है। तो इतना मतलब इतना गुस्सा क्यों, इसे आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को क्यों इस बार उत्तर प्रदेश में क्यों लाना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी कितना सपोर्ट कर रही, दिल्ली जाके आप देखिए एक बार, दिल्ली जाके देखिए एक बार, लेडीज की सारी सुविधा फैसिलिटी सब फ्री है, बस किराया भाड़ा सब फ्री है, अस्पताल फ्री है, उसके बाद आप जाइए वहाँ डेली झाड़ू सफाई होती है, यहाँ पे जो है 150 रुपये कूड़े वाले को भी देना पड़ता है। ये मोदी सरकार है, पहले सरकार थी 50 रुपये भी नहीं देना पड़ता था, कूड़ा अपने आप जाता था। हर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, आज राशन कितना महंगा हो गया, 5 साल पहले राशन की बात कर लीजिए हमसे आप, गलत कह रहे हैं। बढ़ी है BJP तो बोल रही है कोरोना की वजह से जो महामारी आई है उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ना 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 ना, कोरोना की वजह से नहीं बढ़ी है, ये कोरोना लाए हैं। लीजिए आप सर से बात, महामारी की बात बताता हूँ आपको। ऐसा है सर, महामारी के मामले में हमारी सरकार ने क्या खो दिया है, ऐसा क्या खो दिया है जो हमारी सरकार ने महामारी के चक्कर में महंगाई बढ़ा दी है? मुझे ज़रा एक वो बताइए आप कि जितना इसके उसमें चंदे में पैसा आया है सरकार के, हमारी गवर्नमेंट के अपने इसमें रहने वाले भारत में कितने लोग हैं, उससे ज़्यादा इनको पैसा मिला है। क्या दिया है आपने? एक गैस सिलेंडर और प्लस शौचालय दिया है, गांव में शौचालय दिया है 1200 रुपये में, दरवाजा आता है एक 1200 रुपये का, एक गेट आता है शौचालय के लिए 12000 दिया, 1000 का एक गेट आता है शौचालय के लिए, खाने को नहीं दिया। सुन जी, 12000 रुपये में एक गड्ढा खुदता है लेटरिंग का, 5 किलो चावल और उस गड्ढे में क्या पूरे परिवार के चले जाएं? आपको तो पूरा फैसिलिटी में चाहिए, दरवाजा भी
बॉस बेसिंग भी सिंक विंक लगा हुआ, बाकायदा टाइल टूल लगी हुई चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए। आपसे बताएं, क्या आप बता सकते हैं मेरे को आप 12,000 में सारी चीज़ें कर लेंगे, टंकी रखवा लेंगे? आप बताइए। नहीं ना, कुछ नहीं होता है इसमें, ये सब फैसिलिटी है बताने वाली। लॉलीपॉप, इसको लॉलीपॉप कहते हैं। ये किसानों को 2,000 रुपये भी दे रही है, 2,000 रुपये दे रही है, घर से दे रही है क्या? ये उगाते हैं क्या घर में, पैसा उगाते हैं क्या? ये पेट्रोल कितना महंगा था सर, ले तो हम ही से रहे हैं। जो बिजनेसमैन भी नहीं है, जो कोई व्यक्ति कमाता भी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी है उससे भी लिया जा रहा है, जो कमाता उससे तो लेने का है ही है इसको। बताइए गलत कह रहा हूँ? अब ये बताइए आप, हम सबका कट रहा है, तुमने आते 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 मोरंग खदानें बंद की, गरीब आदमी का पेट मरा, तुमने नोट बदली की, क्या गरीब लोगों के पास थी? आप बताइए भाइयों बहनों, गरीब लोगों के पास थी मणि? लेकिन आपने बदला, ठीक है, अच्छा किया। उसके बीच आपने मुरम माफियों को बंद किया, मुरम खदानें बंद कर दी, मजदूरों का धंधा बंद हो गया भाई साहब। उसके बीच आपने बड़ी बड़ी इमारतों में ताला डाल दिया, आपने क्या मजदूरों का अच्छा किया? अरे कितने मजदूर ऐसे हैं कि जो मर गए हैं, भूखे, चूल्हा नहीं जला उनके घर में। आज मैं भी ऐसा हूँ, जो मेरे बच्चे MA करके बैठे हुए हैं, दो दो बार परीक्षा दे चुके हैं, क्या किया है सरकार ने, कितने को नौकरी लगा दी, कितने को फ्री खिलाया? मैं 5 किलो राशन में महीना नहीं बिता सकता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। आपसे बताएं, इस बार जो भी सदस्य, मेरा कोई भी भाई बंधु अच्छा लायक होगा, इसके चलाने के लायक होगा, गृहस्थी को बचाने के बाद जो लायक होगा, उसको हम लाना चाहते हैं भाई साहब। और कोई ऐसी बात नहीं है हमारे बीच, पार्टी संबंधी वाली कोई किस्त नहीं है मेरे पास। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जो भी भाई आए, हमारे घर को देखे, और सिर्फ आटे को नहीं, आटा भी आप खिला नहीं सकते पूरा, क्यों कि आटा भी यदि पूरा आप खिला देंगे तो पूरा खजाना आपको आधा करना पड़ेगा। आटा भी आप माफ़ नहीं कर सकते, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपसे बताएं कि नॉर्मली किसी व्यक्ति का, किसी गरीब का भला कीजिए, किसी का उससे नहीं कि इसकी थोंदे बड़ी हैं, चलना आता नहीं है, और ऐसा ही बन गए हो जाके, दौड़ना आता नहीं है, चलना आता नहीं है, दौड़ने की बात ही अलग है। और क्या आप कह रहे हैं हमने इतने लोगों को सरकार को वो दे दिया, इतने बच्चों को हमने नौकरी दे दी? गलत बात, मैं एक गरीब आदमी बोल रहा हूँ। तो यहीं तक मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो व्यक्ति लायक होगा उसको मैं वोटें दूंगा। आप युवा हैं, आप युवा हैं, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, तो आप भी युवा हैं, तो क्या कुछ कहें? हम भाई क्या कहें, ये बताइए कौन खुश चल रहा है, हमको ये बता दी, किसी एक इंसान का बता दी कोई खुश चल रहा हो, दुनिया भर की तो बातें। BJP तो बोल रही है कि 350 सीटें इस बार मिलेंगी। बहुत खुश हैं भैया, सब खुश हैं, हम भी इतने खुश हैं, देख नहीं रहे, हमारे जेबों में हजारों भरे, सुख से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। हम तो इस उम्र के भी है भी नहीं, और ये नेता नगरी वाली बात जानते भी नहीं है, लेकिन खुश नहीं इस सरकार से तो हम बिल्कुल नहीं खुश है। और ये कोरोना की बात तो इसी हाथों से घुमाओ, और ये मेरा साथी हो खड़ो, ये हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, और बिल्कुल जैसे खड़े हैं, बहन का कोरोना में भी ऐसे घूमे, पुलिस वालों ने भी मना किया, सब लोग मर जाओगे, खड़े कहाँ मरे बताइए, कहाँ मरे, और ऐसे घूमते हैं, और ऐसे पूरी खाना शुरू कर देते हैं, हाथ धुलते हैं पूरी खाना शुरू, कहाँ मरे? हम तो ये नहीं समझते, कोरोना वोना कुछ नहीं था, अभी भी नहीं समझते, कोरोना वाला इंसान उसके पास जाके बैठ जाएंगे, बेवकूफ़ बन के, सब बेवकूफ़ बने। इस बार किसे ला रहे हैं फिर? हम कह रहे, अभी हमने भैया ने क्या बोला कि जो इस काबिल का हो, इसका चलाने का, बस वही आए, हमारे किसी को जो जनता के अधिकारों में काम करेगा, वो जो खुश रखेगा जनता को, जनता ही से तुम हो, जब जनता खुश रखोगे जब तुम रहोगे, जब जनता ही नहीं खुश है तो क्या करना? और भैया आप बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी कहाँ सुनेंगे बताइए, भूखमरी तो भैया बहुत है। सर जिस तरह से इस बार कांग्रेस की बात की जाए, तो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, वो जमीनी स्तर पे संघर्ष करती दिख रही हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठा रही हैं, तो अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा जो देश को चलाना चाहता है बस उसको हम चाहते हैं, जिससे कि हमारे ये सब गरीब भाई हैं, हम भी उस गरीब लाइन में, हमारा भी भला हो, जब खुशी नहीं है तो भाई क्या लेना देना, त्यौहार ढंग से बन नहीं रहे, जिसके मुझे वो आदमी रो रहा है, जिससे पूछो हमें भाई जाओ परेशान चल रहे,
इससे पूछो। अच्छा भाई, आज ये 5 साल हो गए नोटबंदी को लेकर, उसको लेकर क्या कहें कुछ? नोटबंदी में भैया हमको कोई बता दे, BMW वाला या मर्सिडीज है उतर के नोटबंदी की लाइन में लगा, हमको बता दे कोई। हमको तो भैया गरीब आदमी परेशान होते दिखा है, हम बता रहे हैं, हमको बैंक बैलेंस नहीं के लेकर अपनी आँखों से जगह है। गरीब आदमी परेशान, कोई BMW से उतरा हो लाइन में लगा हो, हमको बता दे कोई। जी रोज़गार पहली बात तो युवाओं पर भी डिपेंड करता हूँ कि क्वालिफिकेशन और हुनर के दम पर। जी तो मतलब युवा क्वालिफाइड सरकार थाली में परोस के नहीं देगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ठीक है। योजनाएं हैं, कुछ युवा इतना काबिल नहीं है जिसकी वजह से रोज़गार नहीं मिल रहा। काबिल की बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई अपनी इंडिया में जब से कोविड का, उससे तहल पहल हो गई व्यवस्था। बाकी जो भी सरकार का सपोर्ट है, अब युवा है, वोट तो बिकता खरीदा जाता, रात में पता चलता कौन सी पार्टी जीतेगी, बस यही सब है। अच्छा तो कामकाज को लेकर क्या बताएंगे कि सर, जिस तरह से 4.5 साल में जो कामकाज हुए हैं योगी आदित्यनाथ के, उसको लेकर कैसे बताएं? देखिए कामकाज इनमें दिखने वाले कामकाज नहीं हुए हैं योगी आदित्यनाथ में, और अखिलेश यादव जी की सरकार जो थी सपा की, उसमें आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, सबसे मेन मुद्दा था 1090, ठीक है। इसमें जो कार्यकार हुआ, मैं खुद NHI में वर्किंग हूँ एज अ साइट सुपरवाइजर, तो हमें नॉलेज है कि कौन कौन से, गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल हो गया, या आउटर रिंग रोड हो गया अपना लखनऊ का, ये सब चीज़ें का प्रोजेक्ट आया है, पर कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है। तो सबके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे हैं हमने 4 एक्सप्रेसवे दिए हैं, बनवाए हैं 4। हाँ दिया, काम वर्किंग पे, गाज़ियाबाद पे है और ये अपना आउटर रिंग रोड पे है। केवल एक्सप्रेसवे दिए हैं पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो अपना आउटर रिंग रोड का था, यहाँ पे 3 कंपनियाँ वर्क कर रही है, एक DPS दिनेश प्रताप सिंह सांसद जी की, और एक अपना NTPC, और एक अपना तीसरा कंपनी सद्भाव है, वो गाज़ियाबाद की है, और तीनों का विजिट करता हूँ। कानून व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था 19-20 है, ये नहीं कह सकते ये है कुछ विकास दुबे वाला का सहारे, मतलब सराहनीय था उनका, क्योंकि उसमें कुछ लोग का पार्टी से वो भी टूटा है, ब्राह्मण वोट कटे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर में। बाकी सत्ता का खेल और विकास दुबे जैसे लोग को पूरा कंट्रोल हर सरकार पे होता है। विकास दुबे से लखीमपुर में जो घटना हुई, हाथरस में हुई, इस तरह के लखीमपुर में कई चर्चित नाम जुड़े हैं, जैसे जो घटना हुई उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? वो किसान जो होते हैं वो कभी आक्रमण नहीं करते हैं, अगर वो किसान मारधाड़ पे आ जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सबसे पावरफुल इंसान किसान ही होता है। मैं खुद किसानी करता हूँ, ठीक है, मेरा वहीं से है, मेरी न्यू वहीं से जुड़ी है। कुछ लोग हैं जैसे आपने रैलियां देखी होगी, रैलियों में होता क्या है, कुछ दूसरी मेंटेलिटी के लोग पूरे उसको गंदा करते हैं, जैसे एक सड़ा फल सारी टोकरी को गंदा कर देता है, वैसा यही मेंटेलिटी पे डिपेंड होता है। जैसा कि जिसमें लखीमपुर में जो घटना हुई, जो किसान कुचले गए, तो उनमें आरोप लगा कि जो अजय मिश्रा टन्नी हैं उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा, फिर उसके बाद वो भी सत्ता पे काबिज हैं, लगातार इस्तीफे के दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि झूठा आरोप लग रहा है, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से जिसके बेटे पे आरोप लगा हो वो सेंट्रल का मिनिस्टर हो, तो देखिए इसमें कई पार्टियों के लोग इन्वॉल्व हैं, केवल भाजपा की नहीं, इनमें अपना जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष थे अखिलेश दास के भतीजे भी हैं अंकित दास लोग, तो इसकी CBI एक बैठक बैठनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा केस बना है अपना, दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है, मतलब बहुत दुख भरी हुई है, किसान भाइयों को कुचला गया सरेआम, मतलब एक तरह से अवमानीय घटना है, मतलब ये इसका इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में। सर बताइए, जैसे जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएँ हो रही हैं, सरकार लगातार मुआवजे देकर काम चला रही है, तो ये चीज़ सही है, न्याय देना जरूरी है कि मुआवजा देना? देखिए कोविड की समस्या आपने भी देखा यहाँ पे, मैंने भी देखा क्या सिचुएशन थी, ये कोविड को लेके जो मुआवजे मिले हैं, ये कोविड के लोग मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं जिससे मनीष गुप्ता की बात की जाए, या फिर पर्दा डाला जा रहा है ना मुआवजे के नाम पर, वो कोई भी सरकार आती कोई भी घटना घटती उस पर पैसा देकर पर्दा डाला जाता है, वो दिखाया जाता है पेपर में कि इनको अगले महीने मुआवजा 10 करोड़ का चेक मिला, वो पास नहीं होता, लोगों की एडिया गिर जाती मिडिल क्लास वालों की। तो ये बताइए कि मतलब इस बार किसे देख रहे हैं, मतलब 2022 कुछ महीने बाद चुनाव है, बोला ना आपको क्या कहते हैं, सबकी मेंटेलिटी पे डिपेंड है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये जातिवाद या धार्मिक मुद्दों को लेकर नहीं देंगे, आप जाहिर सी बात है कि रोजगार को लेकर देंगे, जो हेल्थ व्यवस्था है हमारी, जैसे कोविड में जिस तरह से हालात थे उसको लेकर देंगे, तो
मैं अपना विधानसभा का प्रत्याशी देख के दूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर वो सक्षम होगा हमारा विधानसभा रन करने के लिए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो चाहे किसी पार्टी का हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो जनता मौजूद है उनसे बात की है, योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल से कार्यकाल से वो संतुष्ट नहीं दिख रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में जनता इस बार किसे सत्ता में बिठाती है और किसे सत्ता से बेदखल करती है। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।